हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर ये आज क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं यूनिट 2 एलजेब्रा का। कल के लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिनको हम आज कंप्लीट करेंगे। क्यूबिक पॉलीनोमियल के रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके रूट्स और उसकी फॉर्म्स को मैच करना, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना और ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे रूट्स का, जीरोस का। लेट्स स्टार्ट। जो बच्चे आज हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। इधर देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो पॉलीनोमियल दे रखा है वो पॉलीनोमियल है 3x²-4x+1। इसमें बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसके बाद वो बोला है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स फाइंड करो जिनके जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ओवरऑल कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको दे रखा है, पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जो रूट्स हैं वो कितने हैं, अल्फा और बीटा। ये जो दोनों जीरोस हैं, इन दोनों जीरोस की मदद से ये दो जीरोस फाइंड करने हैं जिसकी फॉर्म किसमें, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एक जीरो को इंडिकेट कर रहा है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा भी एक पर्टिकुलर जीरोस को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे करके ये कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं। इन दोनों जीरो की वैल्यू निकाल के हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा और बीटा की। अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। पहले जो काम करना होता है किसी भी पॉलीनोमियल को, किसी भी रूट और किससे रिलेट करने के लिए, कोफिशिएंट से रिलेट करने के लिए, कि हमारा पॉलीनोमियल किसमें हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल्स जो हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। वेरिएबल्स की जो पावर्स है, पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले एक्स की पावर 2 आई, फिर एक्स की पावर 1 आए, पावर घटती जा रही है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। अब यहाँ पे इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा और बीटा क्या है, इस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल के जीरो। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, -4। विद सिंबल पिक करते हैं -4 माइनस फॉर्मूले का, और बी क्या है, -4। तो -4 अपॉन ए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज 3। -4 इज +4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आई अल्फा और बीटा की। अब वैल्यू निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की, सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म 1 है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 1/3, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4/3। अल्फा प्लस बीटा आया है आपका 4/3, अल्फा इंटू बीटा आया है आपका 1/3। इन दोनों वैल्यूज का यूज करके हम किसके वैल्यू निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा की और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की। ठीक है, इधर देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या थे, ये दोनों जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के क्या है, जीरोस है। ये अपने आप में ही दो जीरो हैं, इन दोनों जीरो की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म्ड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमने कल पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये कल हमने फॉर्म पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए ये वाली फॉर्म। इस फॉर्म में अल्फा बीटा क्या थे, जीरोस थे। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम अल्फा बीटा से नहीं करेंगे, हम इन जनरल पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हमें पहले तो इन दोनों के सम की वैल्यू निकालनी है और जीरोस की वैल्यू निकालनी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सम की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा
इधर बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा बचा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। यहाँ पे जो हम पे अवेलेबिलिटी है वो अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की है। जो हम पे फॉर्म आई है उसमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ रहा है, तो अल्फा क्यूब अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू है लेकिन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को किसमें कन्वर्ट करेंगे? रिक्वायर्ड जो हम पे जो गिवन है, सॉरी हमने जो निकाला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को किसमें ब्रेक किया जाए? अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। तो ये फॉर्मूला आपने शायद ही पढ़ा हो, पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जब फैक्टराइजेशन का चैप्टर चलेगा 9th क्लास में तो आप वहां से ये सारी चीजें डिटेल में सीख जाओगे। अभी बस इतना देख लो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। ये फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम इसको पुट करेंगे, तो हमारा स्टेप क्या था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह क्या रखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या था? अल्फा बीटा। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू किसकी पुट करेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/3, तो 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? 1/3, 3 × 1/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4/3 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है? 1/3, 1/3। इधर देखो 4/3 16/9, 3 से 3 कैंसिल, यहां कितना आया? 4/3, वो भी किसका? माइनस का, अपॉन 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 9 और 3 एलसीएम कितना आएगा? 9 आएगा। 16, 9 से 9 वन टाइम इंटू 16, 3 से 9 3 टाइम, 3 × 4 = 12। नीचे जो 1/3 है वो किस में आ जाएगा? यहाँ पे 3/1 हो जाएगा। 16 में से 4 गए 12 गए, कितना रिमाइंडर बचा? कितना बचा? 4/9 इंटू 3/1, 3 से 9 3 टाइम्स, दैट मीन्स हमारी वैल्यू आ गई 4/3। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। इसी वैल्यू को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। इतना सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आई? 4/3। ये तो आ गया सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना आया? अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की हमें ऑलरेडी वैल्यू पता है कितनी है? 1/3। तो ये दोनों क्या आ गए? 4/3 क्या है? 4/3 सम ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस 1/3 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इससे हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, हमें सम ऑफ जीरोस भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है, तो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आता है, सम ऑफ जीरोस कितना है? 4/3 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1/3। ये क्या हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। 3 यहां से कॉमन ले लें तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल 1/3, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा बीटा 4 है, ये रूट्स है, जीरोस है, जीरोस का सम दे रखा है, जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, वो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताओ। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होती है जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म को और कैसे लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां पे वेयर अल्फा और बीटा क्या होते हैं? आर जीरोस, ठीक है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है, तो बड़ा आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6x प्लस अल्फा बीटा कितना है? 4। तो पॉलीनोमियल कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4।
नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। इसके बारे में डिटेल में हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। आज हम रिलेशन पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स का। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं, अल्फा जिसको पहला जीरो मान लिया, बीटा दूसरा जीरो, और ये जो सिंबल होता है इसको गामा बोलते हैं, ये तीसरा जीरो है। तीनों जीरोस का सम -b/a के इक्वल होता है। b और a क्या है? तो x³ - ax³ + bx² + cx + d। ये जो फॉर्म है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पे b जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, a जो है वो x³ का कोएफिशिएंट है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है? c/a के। c जो है वो x का कोएफिशिएंट है, a जो है वो x³ का कोएफिशिएंट है। अल्फा बीटा गामा किसके इक्वल है? -d/a के। d जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, a जो होता है वो x³ का कोएफिशिएंट होता है। इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है -2, 3, 4, ये तीन जीरोस दे रखे हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 3x² - 10x + 24। इस क्वेश्चन में हमको ये जो तीन रिजल्ट है इन तीनों रिजल्ट को वेरीफाई करना है। पहला रिजल्ट क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है? -b/a के। अल्फा कितना है? पहला वाला रूट 0 -2 प्लस बीटा दूसरा 3 प्लस गामा तीसरा 0 4 इक्वल्स टू माइनस साइन लगा हुआ है फॉर्मूले में। b कितना है? b होता है जनरल फॉर्म से रिलेट करो x² का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट कितना है? 3 नहीं -3 विद सिंबल देखना। x² का कोएफिशिएंट है -3 तो -3 एक माइनस साइन फॉर्मूले का, एक माइनस साइन हमारे कोएफिशिएंट का अपॉन a। a क्या होता है? x³ का कोएफिशिएंट। x³ के आगे कुछ भी नहीं है तो x³ का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 -3/1 3 + 4 = 7 7 - 2 = what ध्यान से देखो यहां जो दे रखा है तीन चीजें दे रखी हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हमको, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर हमको क्या करना था? इससे रिलेट करना था। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था माइनस में, गलती से 3 माइनस का है। ठीक है, तो 2 - 3 + 4 -3/1 4 और 2 = 6 6 - 3 = what 3 इधर माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। मतलब पहला वाला जो रिजल्ट था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a ये प्रूफ हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना है? 2। बीटा कितना है? -3 प्लस बीटा कितना है? -3 इंटू गामा इक्वल टू 4 प्लस गामा इक्वल्स टू 4 इंटू अल्फा कितना है? 2 इक्वल्स टू c/a। c होता है कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है हमारे पॉलिनोमियल में? 24/a। a क्या है? x³ का कोएफिशिएंट कितना है? 1। 2 - -3 - 6 4 - -3 - 12 + 4 - 2 = 8 ठीक है, सॉरी 3 - 4 = 12 4 - 2 = 8। यहां पे जो हमारी इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक। c जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, सॉरी c जो है वो इससे रिलेट करेंगे। तो c x का क्या है? कोएफिशिएंट है। तो कितना है? -10 = -10 -6 - 12 - 18 - 18 + 8 - 10 = -10। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। फिर से देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल है? c/a के। c क्या है? x का कोएफिशिएंट। a क्या है? x³ का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट अपने इक्वेशन में -10 है, a कितना है? 1 है। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? -10। इस साइड को सॉल्व किया कितना आया? -10। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। यहाँ पे दो रिजल्ट वेरीफाई हो गए। तीसरा रिजल्ट जो है वो कितना है? तीसरा रिजल्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। अल्फा कितना था? 2। बीटा है आपका -3। गामा है आपका 4। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है फॉर्मूले का। डी जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है? 24/a। a क्या है? x³ का कोएफिशिएंट, दैट इज 1।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 3 जैसे 6 4 जा 24, माइनस का 24, माइनस 24 अपॉन 1 इज व्हाट, माइनस 24। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारा तीसरा रिलेशन भी प्रूफ। तो तीन रिलेशन पढ़े हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इनके बेसिस पे भी सेम वैसे ही सवाल आएंगे जैसे सवाल आपने किसमें किए थे, अभी अभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। तो इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से देखा जाए कि आपको तीन जीरो दे रखे होते, 2, -3 और 4, और तीन जीरो के बाद वो कह रहा होता फाइंड द क्यूबिक पॉलीनोमियल, आपको फाइंड करनी है क्यूबिक पॉलीनोमियल, और उस पॉलीनोमियल के जीरोस कितने हैं, 2, -3 और 4। तो इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है 2 प्लस -3 -3 प्लस 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 2 × -3 दैट इज -6, बीटा गामा -3 × -4 -12, गामा अल्फा 4 × 2 दैट इज 8 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 × बीटा 2 × -3 -6 इंटू गामा -6 × -4 -24, एक्स क्यूब 2 − 3 − 1 − 1 + 4 + 3 दैट इज -3x² -6 − 12 − 18 − 18 + 8 − 10x −-24 दैट इज +24। तो ये वही इक्वेशन आ गई जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे। तो इक्वेशन फाइंड करनी हो या जीरोस का रिलेशन सेटिस्फाई करना हो या किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी हो, सेम वही कंसेप्ट लाएंगे जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में अप्लाई किए थे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, इन जीरोस का। ये जो जीरोस दे रखे हैं, इनका रिलेशन दे रखा है, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या पॉलीनोमियल में, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखो और थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किए क्वाड्रेटिक के, लीनियर के, क्यूबिक के, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मैक्सिमम कितने रूट निकल रहे थे उसके, कितने जीरो निकल रहे थे, 2। क्यूबिक पॉलीनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरो निकल रहे थे, 3 जीरो। लीनियर पॉलीनोमियल में मैक्सिमम एक ही जीरो निकल रहा था बस। ऐसा क्यों हो रहा था, ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग समझो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलीनोमियल, कुछ इस फॉर्म में हमने पॉलीनोमियल पढ़े थे 2x + 3। मान लो हमने इसको y से क्या करा दिया, कंपेयर करा दिया, एक इक्वेशन बना दी। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की वैल्यू अगर -2 रखी तो इसको सॉल्व किया तो कितनी वैल्यू आई, -1, जो किसकी थी, y की। इसको 2 पे सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 7 आई। ऐसे करके x और y के हमें क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स, जिनको लेके हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कौन सी लाइन ड्रॉ हो गई, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही बनती है, जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो पॉइंट्स ध्यान से सुनना। लीनियर पॉलीनोमियल का अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो लीनियर पॉलीनोमियल की हमेशा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को, ये जो होती है ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पे काट रही है, -3/2, 0, सिर्फ एक पॉइंट पे ही काट रही है। आप चाहो तो ऐसे बाकी तमाम एग्जांपल ले सकते हो लीनियर पॉलीनोमियल के, उनको सेम इसी मेथड से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप कितने भी एग्जांपल देख लेना, उसमें एक ही रिजल्ट निकलेगा, या तो वो एक्स एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे काट रहा होगा या फिर एक भी पॉइंट पे काट नहीं रहा होगा, एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा होगा। दैट मींस आपका जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। ये वो कंडीशन है जिसमें जो आपकी लाइन है पॉलीनोमियल है उसका जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई भी जीरो नहीं आएगा, नो जीरो। कब, जब ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली
अच्छा ये कौन सा केस होगा जिसमें जीरो होगा, ये केस हो जाता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना होता है, जीरो होता है, इसका मतलब एक उसका एक भी जीरो नहीं होता है, उसका एक भी जीरो नहीं होता है, तो वो जो लाइंस आएंगी वो क्या आएंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएंगी। अब इस तरफ देखो, ये हो गया लीनियर का, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरो सिर्फ वन ही, एक जीरो ही आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जो लीनियर पॉलिनोमियल वाली होती है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है, और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करी है, इसका ये मतलब है कि सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको इस पॉलिनोमियल में अगर रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ड्रॉ करना आपके सिलेबस में नहीं है, आप बस ये समझ लीजिए कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू हमने माइनस टू रखी, तो इसको सॉल्व करने पे सिक्स आया, जो किसके बराबर था, वाई पे। सिमिलरली एक्स की जगह माइनस वन रखा तो वाई जीरो आया, एक्स की जगह जीरो रखा वाई माइनस फोर आया, एंड सो ऑन अप टू। इन डिफरेंट वैल्यूज को लेते हुए हमने ये अपना ग्राफ ड्रॉ किया। इस ग्राफ के अंदर क्या बना, पैराबोला बना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, पैराबोला। ये आप सब लोग याद रखना, पैराबोला जो होता है हमारे एक्स एक्सिस को मैक्सिमम दो ही पॉइंट पे कट कर सकता है। मैक्सिमम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। अगर इसी पैराबोला को हम ऊपर उठाते जाए, कहने का मतलब है ये दोनों पॉइंट पास आते जाए इसको ऊपर उठाते जाए, तो इस पैराबोला को ऊपर उठाते जाएंगे, कंडीशन वो आएगी जब ये एक्स एक्सिस को सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होगा। ये वो कंडीशन है जब हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो आएगा, सिर्फ एक ही जीरो आएगा। अब एक वो भी कंडीशन होती है जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं होता है, दैट मींस ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होता है, वो ये वाली कंडीशन होती है। अब ग्राफ जो होता है पैराबोला, वो दो तरह का होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये अपवर्ड हो गए, अपवर्ड में या तो दो पॉइंट पे या फिर एक पॉइंट पे या फिर एक भी पॉइंट पे नहीं। डाउनवर्ड में देखो, ये हो गया दो पॉइंट पे टच, ये हो गया एक पॉइंट पे टच, और ये एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आप चाहे तो अगर आप हायर स्टडीज में इनको ड्रॉ करना सीख लें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कितने भी उठा लेना, कितने भी एग्जांपल, उनका ग्राफिकल ड्रॉ करना। ग्राफिकल ड्रॉ करने पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को मैक्सिमम टू ही पॉइंट पे कट करते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम टू ही जीरो एग्जिस्ट करते हैं बस। सिमिलर कंडीशन होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सेम कंसेप्ट चलता है। जैसे ये तीन क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन ही जीरोस इसलिए होते हैं क्योंकि एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को तीन ही पॉइंट्स पे कट कर सकता है। आप चाहे जब आप हायर स्टडीज में क्यूबिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करना सीख जाए, तो इनको ड्रॉ करिएगा, इनके एग्जांपल्स लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा, तीन पॉइंट्स पे। ये किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं हम, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, इसलिए ये बता रहे हैं। आप चाहो तो वाई के रेफरेंस में पढ़ना पूरी इक्वेशंस को, तब भी यही होगा कि वाई को भी सिर्फ तीन पे, जिस एक्सिस के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं उस एक्सिस को ये मैक्सिमम तीन ही पॉइंट्स पे कट कर सकता है। ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। दैट मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, थ्री जीरोस हो सकते हैं बस। ये इनका ग्राफिकल क्या है, ज्योमेट्रिकल क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोस का, कि जब आप किसी लीनियर को ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन आती है, क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करते हैं पैराबोला आता है, क्यूबिक को ड्रॉ करते हैं तो डबल पैराबोला आता है। इन कंडीशंस में क्या होता है, इन कंडीशंस में स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एक पॉइंट पे कट कर रही होती है, पैराबोला किसको, स्ट्रेट लाइन को, जो भी आपका एक्सिस हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, उसको मैक्सिमम दो पॉइंट पे कट कर रहा होता है। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपकी पर्टिकुलर एक्सिस को मैक्सिमम थ्री ही पॉइंट पे कट कर रहा होता है, इसलिए एक्स लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वन क्या होता है, जीरो होता है।
पैराबोला का दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मैक्सिमम 20 होते हैं, क्यूबिक पॉलीनोमियल के मैक्सिमम 30 होते हैं, ये इनका होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आप ग्राफ देख के, अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा हो तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि किसके कितने जीरो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ करूंगा और हम कोशिश करेंगे ये बताने की कि इसमें कितने जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, इसमें मान लो कोई एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है? नहीं कर रही है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? जीरो सॉल्यूशन। कितने इसके कितने जीरो हैं? जीरो जीरो हैं इसके। अब इधर देखो, ये लीनियर पॉलीनोमियल है जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप इस डायग्राम को देख के ही बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल के कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा। यहीं पे ही मैंने क्वाड्रेटिक क्या बना दिया, पॉलीनोमियल बना दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैराबोला। ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? दो पॉइंट पे। दैट मींस इसके कितने जीरो होंगे? दो जीरो होंगे। एक मैंने क्यूबिक पॉलीनोमियल बना दिया, क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे। तो इसका कितना जीरो होगा? एक जीरो होगा। समझ गए? तो आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल के कितने जीरो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आपको ये आना चाहिए। इसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे हैं आपको हायर स्टडीज में, और जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको वहां पे इसका एक बहुत बड़ा यूज दिखेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब मैंने पहले भी बताया, आपको पता होना चाहिए। एल्गोरिथम का मतलब होता है एक स्टेप वाइज प्रोसीजर। एक स्टेप वाइज जो प्रोसीजर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को जो किसी पर्टिकुलर किस्में सीरीज में कंप्लीट किया जा रहा हो उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 2x² + 3x + 1/xy2, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमें इससे डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करने के प्रोसीजर को ही डिविजन एल्गोरिथम बोला जाता है। लेट स्टार्ट। x + 2, इससे किसको डिवाइड करना है? 2x² + 3x + 1। स्टेप वन जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जिस पॉलीनोमियल से आप जिस भी पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहे हो वो दोनों पॉलीनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हो। अगर वो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे तो दोनों को डिवाइड करने का कोई भी सेंस नहीं होता है, आपका आंसर गलत आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पावर्स जो हो वेरिएबल की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक्स की कोई पावर नहीं है, दैट मींस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पे एक्स है फिर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये भी किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस बात पे मैं बार बार फोकस दे रहा हूं कि डिवाइड करने से पहले आपको डिवीजर और डिविडेंड दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और आप डिवाइड करना चालू कर दोगे तो आपका आंसर गलत आने की बहुत कंडीशंस बढ़ जाती है। स्टेप वन के बाद स्टेप टू है कि दोनों को हम अपने नॉर्मल डिवीजन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां डिवाइजर लिखेंगे, यहां डिविडेंड लिखेंगे। डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है, डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है। अब डिवाइजर से डिविडेंड करने का सबसे पहला जो आपका काम होगा वो ये होगा कि डिविडेंड की पहली टर्म आपको अलग करना, हमने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है। तो इसकी पहली टर्म क्या है? 2x² यहां प्लस आ गया तो ये दूसरी टर्म चालू हुई। तो 2x² डिविडेंड की पहली टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइजर की पहली टर्म से। डिवाइजर की पहली टर्म कितनी है? x। अब यहां देखो, इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, x² से x कट कैंसिल और कितना आया? 2x। और अगर इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में जाके बोले तो 2x² / x, x² / x बेस सेम है, दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे हम कौन से रूल लगा रहे हैं? एक्सपोनेंट के रूल लगा रहे हैं कि अगर दोनों का क्या हो, बेस सेम हो, दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो x² / 2, इसकी पावर 1 होगी, x² - 1, दैट इज x² / 1, और x² / 1 को ही हम क्या बोल देते हैं? एक्स। तो जब हमने डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइजर की पहली टर्म का डिवाइड किया तो कितना रिजल्ट आया? 2x। अब 2x को किधर लिखेंगे? इस तरफ, कोशेंट की।
अब 2x का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे डिवाइजर के हर एक टर्म का। फिर से बोल रहा हूं, डिवाइजर के हर एक टर्म का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आए हुए रिजल्ट से। डिवाइडर में कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आए हुए रिजल्ट से। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2x में। x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। x मल्टीप्लाई 2x, पहली टर्म का इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2x स्क्वायर। हम सबको पता है वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट से होता है, 2 के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं है तो 2 आया। x का मल्टीप्लाई x में हुआ, x स्क्वायर आया। यहां पे अगर बेसिकली बोला जाए एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से, तो x का x में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। x का x में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी। 1 और 1 2, दैट इज 2x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किसके नीचे लिखेंगे, ये आपको जरूर आना चाहिए कि किस टर्म को किसके नीचे लिखा जाए। इसको इसी की लाइक टर्म के नीचे लिखा जाएगा। यहां x स्क्वायर है, x स्क्वायर की लाइक टर्म वही होगी जिसमें x स्क्वायर हो, तो x स्क्वायर की लाइक टर्म क्या होगी, 2x स्क्वायर। इसके नीचे लिख दिया 2x स्क्वायर। अब दूसरी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म कितनी है हमारी, दूसरी टर्म है हमारी 2, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, अपने आए हुए रिजल्ट में। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी आपका रिजल्ट आए उसमें डिवीजर की हर एक टर्म का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट से 2 2 4, x के अलावा कोई और वेरिएबल है नहीं, तो 4x को किसके नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी लाइक टर्म के नीचे। और 4x की लाइक टर्म कौन सी टर्म होगी, वो टर्म होगी जिसमें सिर्फ x आ रहा हो, तो इसमें से किस टर्म में सिर्फ x आ रहा है, 3x में, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 4x। इस बात पे आपको बहुत ध्यान देना है कि किस टर्म को किसके नीचे लिखा जाए। अब जो आई हुई टर्म्स है उनका हम सिंबल बदल देंगे, 2x स्क्वायर के आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो इसका नया सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस 2x स्क्वायर में, ये क्या है, प्लस 4x, प्लस 4x का सिंबल बदलेंगे तो क्या आएगा, माइनस। अब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, माइनस 4x ना कि प्लस 4x। अब ऊपर वाली टर्म कितनी है, 2x स्क्वायर, नीचे वाली टर्म कितनी हो गई, माइनस 2x स्क्वायर, कितना आया, 0। ऊपर कितना है, प्लस 3x, नीचे कितना है, माइनस 4x, प्लस 3x माइनस 4x क्या आएगा, माइनस एक्स। यहां पे लिख दिया हमने माइनस एक्स, दोनों का सिंबल अलग था, सब्ट्रैक्शन होगा, कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटेगा, ये दोनों लाइक टर्म है, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1, तो माइनस 1x लिखने की बजाय हम क्या सिंपली लिख देते हैं, माइनस एक्स। अब यहां पे डिविडेंड में कौन सी ऐसी टर्म है जो रिमेनिंग बची है, कौन सी टर्म बची है, प्लस 1, तो प्लस 1 को नेक्स्ट स्टेप में उतार देंगे। अब यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि यहां पे हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आया। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो हम अपने प्रोसीजर को एज इट इज आगे पढ़ाएंगे। अब डिवीजर वही है हमारा x प्लस 2, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो अब क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड। अब जो रूल यहां फॉलो करे थे वही रूल यहां फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था, डिविडेंड की पहली टर्म, डिविडेंड की पहली टर्म कितनी है, माइनस एक्स। डिविडेंड की पहली टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर की पहली टर्म से, डिवाइजर की पहली टर्म कितनी है, एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, कितना आंसर आएगा, माइनस 1, कितना आंसर आएगा, माइनस 1। उसको कहां लिख देते हैं, कोशेंट में लिख देते हैं, कितना आया, माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें डिविजर की हर एक टर्म का मल्टीप्लाई किया जाएगा। रिजल्ट आया है माइनस 1, 2x में मल्टीप्लाई मत कर देना, जिस पर्टिकुलर स्टेप में जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट से हम अपने डिवीजर का मल्टीप्लाई करेंगे। इस स्टेप में हमारा रिजल्ट माइनस 1 आया है ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, तो हम अपने डिवीजर के हर एक टर्म का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से ना कि 2x से। कुछ बच्चे गलती से 2x से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है। x into minus 1, that is minus x, 2 into minus 1, that is minus 2। इसके बाद का स्टेप बिल्कुल भी मत भूलना, जो आपके नीचे वाले टर्म्स हैं उनका क्या चेंज करना होता है, साइन। ये माइनस का है, अब ये किसका बन गया, प्लस का। अब इसको माइनस एक्स नहीं, प्लस एक्स कंसीडर किया जाएगा। ये माइनस टू है,
ये भी किसका बन जाएगा, प्लस का। अब इसको माइनस टू नहीं प्लस टू कंसिडर किया जाएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कितना आएगा, जीरो। प्लस वन प्लस टू कितना आएगा, प्लस थ्री, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर था, इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम को आप डिटेल में समझ गए, डिवीजन एल्गोरिथम को जब हमने इसमें लगाया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर कितना आया, थ्री। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमारा ये जो था 2x² + 3x + 1 ये डिविडेंड था, x प्लस टू हमारा डिवाइजर था, 2x - 1 हमारा कोशेंट था, रिमाइंडर हमारा 3 था। अब इस पर्टिकुलर पूरे डिवीजन एल्गोरिथम को हम चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर, डिवाइजर में किसका मल्टीप्लाई किया जाए, कोशेंट का, और क्या ऐड कर दिया जाए, रिमाइंडर। वही थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसी को ही बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम, इस पूरे प्रोसेस को। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं हमारा डिविडेंड कितना है। सबसे पहले डिविडेंड वो जिसमें हमने डिवाइड किया है, हमने किसमें डिवाइड किया है, 2x² + 3x + 1 में। तो डिविडेंड उतारा हमने 2x² + 3x + 1। हमारा डिवाइजर कितना है, एक्स प्लस टू। डिवाइजर मतलब जिससे हमने डिवाइड किया है, एक्स प्लस टू से। कोशेंट जो डिवाइड करने पे आया है कितना आया है, 2x - 1। तो कोशेंट कितना आ गया अपना, 2x - 1। रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है हमारा, 3। कितना आया है, 3 इक्वल्स टू 3। एक बात जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल का डिवाइड किया है, तो जो कोशेंट और रिमाइंडर आएगा, दैट इज qx बोलेंगे हम कोशेंट को और rx बोलेंगे हम रिमाइंडर को, ये दोनों ही किस फॉर्म में होंगे, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होंगे, और रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगी। डिवाइजर की डिग्री कितनी है, x प्लस टू, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है। रिमाइंडर कितना है, 3। 3 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी। अब इधर हम क्या लगाएंगे, चेक करेंगे कि ये जो रिजल्ट आया है ये सही है या नहीं है। तो किस बेसिस पे चेक किया जाता है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोशेंट, कोशेंट इन प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे डिविडेंड कितना है, 2x² + 3x + 1। डिवाइजर कितना है, x प्लस टू, इसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे, कोशेंट में। कोशेंट कितना आया था, 2x - 1, 2x - 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 3। यहां लिखा 3। एक साइड ऑलरेडी सॉल्वड है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 2x² + 3x + 1। जो हमारी राइट हैंड साइड है वो सॉल्व नहीं है, हम उसको सॉल्व करेंगे। x प्लस टू का 2x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहली टर्म का दूसरे वाले पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यही मल्टीप्लिकेशन का रूल है। x का मल्टीप्लाई 2x में भी होगा, x का मल्टीप्लाई माइनस वन में भी होगा। पहले वाले पॉलिनोमियल के कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म है, x और 2, इन दोनों टर्म्स का 1/1 दूसरे पॉलिनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, तो 2x² आया। x का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे, माइनस एक्स आया। प्लस टू का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, प्लस 4x आया। प्लस टू का मल्टीप्लाई माइनस वन में करेंगे, माइनस 2 आया। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें क्या ऐड करना है, प्लस 3 रिमाइंडर। 2x² क्या 2x² जैसी और कोई टर्म है, नहीं है। तो यहाँ पे 2x² माइनस एक्स प्लस 4x, माइनस एक्स प्लस 4x लाइक टर्म्स है, प्लस माइनस, माइनस 4 में से 1 गए, कितना बचा, प्लस 3x, माइनस 2 प्लस 3, दैट मींस प्लस 1, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 2 गए, 1 आया, सिंबल किसका, प्लस का। अब हमारी इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी, 2x² + 3x + 1, राइट हैंड साइड कितनी आई, 2x² + 3x + 1। तो ये जो हमारा प्रोसीजर था वो क्या हो गया, चेक हो गया, वेरीफाई हो गया, बोथ साइड रिजल्ट क्या आए, सेम आए। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो यही कहलाता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बेस्ड और क्वेश्चंस देखो आगे।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। और हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम नए नए क्वेश्चंस डाल सकते हैं, नए नए पैटर्न के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे डालते रहते हैं। आप चाहो तो हमको उस पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।